पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 8 अगस्त को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से नवाजा जाएगा। प्रणब मुखर्जी जुलाई 2012 से जुलाई 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे। इससे पहले उन्होंने वित्त, रक्षा और विदेश जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाली थी और साल 2004 से 2012 तक केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में उन्हें प्रमुख संकटमोचक माना जाता था। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिए जाने के फैसले का स्वागत किया था और अपने बधाई संदेश में नेताओं ने कहा था कि उन्होंने हमेशा देश के लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए काम किया है। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले साल भारत रत्न के लिए प्रणब मुखर्जी के नाम का ऐलान किया था। बता दें कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो राष्ट्र की सेवा में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश और विदेश से जुड़ी पल पल की खबरों के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभिषेक माथुर, पंजाब केसरी, दिल्ली।